कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल डील के मामले में ग्वालियर के एक वकील ने मानहानि का नोटिस भेजा है और देश से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही मानहानि की राशि को सेना के खाते में जमा कराने की मांग की है। नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिना किसी आधार के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से गलत भाषा का प्रयोग किया और इस डील को गलत तरीके से प्रचारित किया गया, इसके साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान लगाए हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। गौरतलब है कि राफेल डील के बाद कांग्रेस ने इसमें खामियां बताते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यहां तक कि हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बीजेपी को क्लीन चिट दे दी है। अभी देश के अंदर कुछ महीनों से राफेल डील का मामला चल रहा है, जिसको कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा तोड़ मोड़ करके देश की जनता के सामने पेश किया गया। और यहाँ भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव में उन्होंने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, बड़ा लोकतांत्रिक पद है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में दुष्प्रचार किया कि भी चौकीदार हैं, चोर हैं, इस प्रकार से बिना आधार, कोई उनके पास प्रमाण नहीं था, केवल राजनीतिक उद्देश्य का लाभ लेने के उद्देश्य से उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया। जब इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को पूरा देखा और वे याचिका खारिज की। तो अब कहीं ना कहीं से, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उनका कर्तव्य है कि लाखों करोड़ों हिंदुस्तान की जनता के सामने वह आकर माफ़ी मांगें कि मेरे द्वारा जो बयान दिया गया था गलत दिया गया था, और उनसे जो मानहानि का जो मैंने नोटिस उनको दिया है, उनसे जो कंपनसेशन वसूल किया जाए वो देश की जो सेना है उसको दिया जाए। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से देश की रक्षा सुरक्षा को भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में भी आज पब्लिक के सामने ये मामला आया कि ये राफेल क्या होता है, कोई नहीं जानता था इस चीज़ को। क्योंकि मैंने इस बात का उनको नोटिस दिया है कि वह पब्लिक के सामने आकर माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे।